हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है खाद श्रृंखला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है, और ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, खाद कहे जाते हैं, फूड कहे जाते हैं। पौधे जो है अपना खाद स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। खाद श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है, जिसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान रखिएगा, जीवों के द्वारा ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशीय होता है। जैसे किसी घास स्थल पारितंत्र की खाद श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम इस प्रकार है। घास, आप यहां पर देख सकते हैं, घास जो है यहां पर उत्पादक है, यह भोजन अपना स्वयं निर्मित करता है। घास को टीडा खाता है, और टीडा यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता है। इस टीडा को मेढक खाता है, और मेढक यहां पर द्वितीयक उपभोक्ता है, और इस मेढक को सर्प खाता है, और सर्प जो है यहां पर तृतीयक उपभोक्ता है। घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं जो घास है यहां पे स्वपोषी है, या स्वयं अपना भोजन निर्मित करता है, और इस घास को बकरी खाती है, यानी बकरी जो है यहां पे शाकाहारी उपभोक्ता है, और इस बकरी को मनुष्य खाता है, और यहां पे मनुष्य जो है सर्वाहारी उपभोक्ता है। मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता इसलिए है क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का उपभोग करता है। ध्यान रखिएगा, जीवीय संगठक ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। जीवित संगठकों में सामान्यतः जो शामिल होते हैं, पहला उत्पादक जैसे पौधे, उपभोक्ता जैसे जानवर मनुष्य आदि, और अपघटक जैसे कवक और जीवाणु। अतः तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पारितंत्र के जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के विधि के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, और इस प्रकार के पौधों को स्वपोषित भी कहा जाता है। हरे पौधे मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे जो है हरे रंग के दिखते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक जो है इस प्रकार है, पहला है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। प्राथमिक उत्पादक में पादप प्लवक, जड़युक्त पौधे, विभिन्न प्रकार की घास से और जंगली शाकीय पौधे और फसल के पौधे आते हैं। वही पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत गहरे जलीय स्रोत या समुद्र, छिछले पानी, घास स्थल और फसल भूमि आता है। देखिए, किसी खास श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जैसे हिरण जो है शाकाहारी प्राणी है, अतः यह जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक है, डीकंपोजर है तथा प्राथमिक उपभोक्ता, दोनों के श्रेणी में आती है। यह पौधों को जो है खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। बाघ जो है मांसाहारी प्राणी है, और लोमड़ी सर्वाहारी है। ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में नहीं आते। अतः वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले जीवधारियों को मांसाहारी कहा जाता है। अतः उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं। ध्यान रखिएगा, साग सब्जियों का सेवन करने वाले जो मनुष्य हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में आएंगे। और अपघटक जो होते हैं, अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न प्रक्रिया से जो है मतलब कि जो अपघटक या डिकम्पोजर जो होते हैं, जो अपक्षय या सड़न के सड़न सड़ गलाकर जो है इनके प्रक्रिया को तेज करते हैं,
जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अवघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं। अधिकांश अवघटक उपभोक्ता के तरह जो है अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय जीवधारियों यानी पौधे और जंतुओं पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का श्रावण करते हैं। इससे मतलब विखंडित होकर मृदा में समानता जो है अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है तथा इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं और इस प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य अकार्बनिक तत्वों का पारितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। स्थलीय पारितंत्र की तरह ही समुद्री पारितंत्र में भी जो है खाद या आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का जो सही क्रम है वह डायटम जो स्वपोषी होता है, इसके बाद क्रस्टेशियाई जो शाकाहारी उपभोक्ता है, इसके बाद हेरिंग जो मांसाहारी उपभोक्ता है। इसका क्रम याद रखिएगा। देखिए उल्लेखनीय है कि तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनके संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खास श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बड़े मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खास श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का जो सही क्रम है वह देखिए इसके बारे में वैसे भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन, घास, टीडा, मेढक, सर्प। घास को टीडा खाएगा, टीडा को मेढक और मेढक को सर्प। यहां पर आप देख सकते हैं जो घास है वह उत्पादक है, टीडा प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक द्वितीयक और सर्प जो है यहां पे तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इनमें से कौन खाद श्रृंखला का निर्माण करता है? इनमें से कौन खाद श्रृंखला का निर्माण करता है? सही जवाब होगा घास, बकरा, आदमी। देखिए प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में घास, बकरा, आदमी ही खाद श्रृंखला को सही रूप से प्रतिबिंबित करता है। खास श्रृंखला का जो क्रम है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता होता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता और आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आपको मालूम ही है घास, बकरी और मानव, ठीक है। यहां पे घास जो है क्या है, स्वपोषी है, यानी यह जो घास है इस घास को बकरी खाएगी और बकरी जो है इस बकरी को जो है मानव मतलब इसका उपभोग करता है। इस तरह से मानव जो है आपका सर्वाहारी मतलब कि है इसमें मानव जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का उपभोग करता है, इसलिए यह सर्वाहारी है। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? इसका सही जवाब होगा वायु, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जीवीय संगठक ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, वायु जीवित संगठक नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पारितंत्रों में खास श्रृंखलाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, खास श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। दूसरा है, खास श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है, खास श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्दर्शन करती है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पहला कथन सही है। कैसे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध अस्त्रों की एक श्रृंखला में होता है जिसे खास श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सिक्स नंबर है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो बताइए प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो आपको मालूम है प्राथमिक उपभोक्ता है हिरण है और चींटी है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस भी किया था, फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, किसी खास श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से हिरण जो है शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी जो है अपघटक है, डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों के श्रेणी में आती है। यह पौधों को खाकर सेल्यूलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। 7 नंबर है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? यदि तितलियों के जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है और इसके कारण बड़े मकड़ी पक्षियों की कुछ जातियों की समष्टि में जो है गिरावट हो सकती है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब पहला और तीसरा। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनके संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खास श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती है। यह बड़े मकड़ी पक्षी मेढक सर्प इत्यादि का भोजन है, अतः तितलियों के संख्या में गिरावट से जो है इस खास श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, डी ऑप्शन। देखिए, साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा। 9 नंबर, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, सही जवाब है फाइटोप्लैंक्टन्स यानी ए ऑप्शन। देखिए, समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? इसका सही जवाब होगा हरे पौधे। जैविक घटकों में से हरे पौधे जो है उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के विधि के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। 11 नंबर है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? सही जवाब है हरित पादप। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। 12 नंबर है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं, सही है उत्पादक, सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिजौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं वहीं मृदा से खनिज और पोषक तत्व तो प्राप्त करते हैं, और वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। 13 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन है, बताना है कौन से कथन सही है। पहला कथन, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा कथन है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होगा दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्वपोषी संगठक, दूसरा परपोषित संगठक। स्वपोषी संगठक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, यह जो है प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधे के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से जो है अपना आहार ग्रहण करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से जो है अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है शीर्ष जो है मांसाहारी और शाकाहारी, और यहाँ पे जो है आपका
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो है शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी। शाकाहारी जो है जो ये है प्राथमिक उपभोक्ता है, और मांसाहारी द्वितीयक, और जो शीर्ष मांसाहारी है वो है तृतीयक उपभोक्ता, ध्यान रखिएगा। और ये जो उत्पादक है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये सूर्य के प्रकाश से जो है अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए ये प्राथमिक उत्पादक है पेड़ पौधे, जो फोटोसिंथेसिस से अपना जो है भोजन का निर्माण करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बताइए, चार ऑप्शन है, कौन सा सही सुमेलित है? सही जवाब है सी ऑप्शन, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। सभी युग्म पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, परंतु हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सही सुमेलित विकल्प है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 नंबर है, परितंत्र में खास श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? बताइए, परितंत्र में खास श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु, यानी 2 और 3 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अवघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या क्षरण की क्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अवघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अवघटकों की भूमिका अदा करते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? वो है आपका डायटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डायटम स्वपोषी होता है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता, और हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा का प्रवाह, इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज आज के लिए इतना ही, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पेज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए घटना चक्र से रिलेटेड, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करिए या कम्युनिटी पे जाइए, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर किया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।